एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सरकार के ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और शहर के प्रबुद्ध लोगों की विशेष मौजूदगी रही। इस सम्मेलन के दौरान विविध विषयों पर आमंत्रित लोगों के द्वारा अपने विचार भी रखे गए। रिपोर्ट एशियन न्यूज। पाइपलाइन बिछाकर टोटी पहुंचाकर सीधे नल देने का काम और नल में शुद्ध पानी देने का कोई काम कर रहा है तो अरे आप कर रहे हैं। 14 से अब तक 3,28,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में 3,62,00,000 को आयुष्मान का कार्ड दिया गया, 5,30,00,000 गरीबों को निरंतर मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 64,35,000 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं, हाईवे नेशनल हाईवे, चले जाइए जहां से जाना हो जहां से चले जाइए। हवाई चप्पर वाले भी हवाई जहाज के यात्रा कर रहे हैं। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, आज 148 पहुंच गए। रेलवे सिस्टम की करोड़ों लोगों का पेट कोई भर सकता है, कभी हमने जीवन में सोचा है? नहीं सोचा है। यदि करोड़ों 80 करोड़ों लोगों को आज तक पेट भरने का काम हो किसी ने कोई कर रहा है मित्रों, तो मोदी जी कर रहे हैं। हर गरीब को ये जब सुनते हैं विदेशों में लोग जो हम लोगों से आते हैं कभी कभी मिलने, विदेश के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसे 80 करोड़ लोगों को आप लोग भोजन दे रहे हैं, कैसे राशन दे रहे हैं। क्योंकि हर दुनिया में पूरा दुनिया की बहुत ऐसी तैसी हो रही है। 2014 रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, अब क्योंकि इस समय पाकिस्तान हो, श्रीलंका, कई देश भुखमरी के कगार पर है, भुखमरी के कगार पर। आप ऐसे हैं आपके कारण कि आज हम लोग बचे। क्या है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट है, विकास है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है? देखिए, राज्य के अंदर कानून का राज होना चाहिए और विकास होना चाहिए। हम लोग चुनाव, एक हाथ में राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का एजेंडा होता है, दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा होता है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, दवा शिक्षा फ्री में मिले, वह काम हम नीचे तक कर रहे हैं और एक गरीब की खुशहाली के लिए समस्त काम हम लेकर उनके बीच में हम जा रहे हैं। दूसरा, दुनिया के अंदर देश का जय जयकार हो, हमारी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे और पूरी दुनिया देश का सम्मान करे। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, शांति और समृद्धि के रास्ते पर हम आगे बढ़ें। उस रास्ते पर हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी को, शिवराज जी को स्वीकार भी करता है। आज के आयोजन के दौरान मुख्य रूप से क्या मुद्दा निकल कर सामने आया जो आपको? विकास का, विकास ही मुद्दा हमारे सामने। विकास देखिए, इतने आज़ादी के बाद सत्ता, इतना पिछड़ा हुआ राज्य, मतलब न अपना पक्का मकान, न बैंक का अकाउंट, आज सभी 48 करोड़ लोगों अपना बैंक का अकाउंट है, 3.5 करोड़ पक्का मकान है, शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है और यहाँ तो लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी लाडली योजना है और कई योजनाएं जो यहाँ पर चल रही, सैकड़ों योजनाएं हैं जो किसान सम्मान निधि से लेकर जो गरीब के कल्याण के, आयुष्मान का 5,00,000 का कार्ड, एक गरीब के इलाज करवाने के लिए साहूकार से कर्ज मांगता था, आज वो कर्ज मांगने की ज़रूरत नहीं है। पेट पर गर्भ से लेकर बच्चे की दवा, गाड़ी घोड़ा से लेकर सब प्रकार की सुविधा उसको दी जाती है, उसका पोषण आहार दिया जाता है, फ्री में झोला, फ्री में बस्ता, पुस्तक, मतलब ये सभी, मतलब एक तरह का जनता जनार्दन, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान कैसे मिले, सम्मान। और यही नहीं, उस समाज से राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक और सामाजिक भी, पहली बार कोई दलित राष्ट्रपति बनाया गया तो रामनाथ गोविंद बनाए गए, आदिवासी कोई बनाया गया तो अपनी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई हैं, तो महामहिम में तो सामाजिक भी, राजनीतिक, और आज दलितों के लिए
बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया था तो मोदी जी ने किया, और दलित शोषित वंचित के लिए और ऐसे रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 उठा ले वापस करे, 20 ले ले, 20 उठा ले 50 ले, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक फ्री में, फ्री नहीं मतलब बिना गारंटी का लोन रोजगार करने के लिए यदि कोई व्यवस्था करवाए तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। मंत्री जी एक चीज और, आपने अभी बोला है कि मोदी जी का नहीं, क्या है जब कोई आपात स्थिति आती है, जब कोई त्रासदी आता है तो देश का चिंता आपका काम। आप श्रीलंका देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, भुखमरी के कगार पर आज पहली बार देश जैसे टीकाकरण होता था, 75 साल लग जाते थे, 20 साल लग जाते थे, जब तक हजारों लोग हैजा से, टीका से, चेचक से देहांत हो जाता था। आज कोरोना वैश्विक महामारी में अपने देश को भी बचाया और 100 देशों को सप्लाई भी किया, और सब कांग्रेस वाले मजाक उठा रहे थे कि बीजेपी का टीका है, और फिर उनका रोजगार कैसे था, तो भोजन 80 करोड़ लोगों का, उस समय राशन भी लोगों के घर तक पहुँचाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। यही नहीं, जो रेहड़ी पटरी वाले भी अपने पर आर्थिक निर्भर बन सके, आत्मनिर्भर निर्भर बन सके, उसके लिए 10,000 20,000 50,000 का लोन फ्री में भी किया कि 10,000 ले ले उठा ले फिर 50,000। इसलिए ये लोगों को, गरीबों का भी आज तक यानी कोरोना से आज तक फ्री में ये लोगों को अभी तक चल रहा है। दुनिया की ऐसी होने में पड़ी,